चालू खरीफ सीजन में जिला की विभिन्न मंडियों में अब तक 93% धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 90% धान की खरीद कर ली गई है। शेष 10% अगले 1-2 दिन में खरीद लिया जाएगा। जहां तक किसानों को धान की अदायगी की बात है, अगले 1 सप्ताह में अनुमानित कुल 2,000 करोड़ रुपए की पेमेंट में से 80-90% पेमेंट कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार मंडियों में आढ़ती मिलर एसोसिएशन तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से किसानों व मजदूरों की सुविधा के लिए फूड स्टॉल लगवाए गए। 2-3 जगहों पर अटल कैंटीन के जरिए निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करवाया गया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को आग लगाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए उपाय की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि करनाल चूंकि धान उत्पादन का प्रमुख जिला है, इस बार भी करीब 3 लाख एकड़ में धान की फसल ली गई है। इसे देखते हुए यहाँ खेतों में आग लगाने के मामले हो जाते हैं, फिर भी प्रशासन की कोशिश रहती है कि ऐसे मामले ना हो। उन्होंने बताया कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जिला में एडवांस फार्मिंग के तहत किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी दी गई है। 100 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना के अतिरिक्त करीब 100 पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर जैसे कृषि यंत्र निःशुल्क दिए गए। उन्होंने बताया कि सरकार, NGT व सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसे मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया है। इसे लेकर आग लगाने वाले नियमित दोषियों की FIR दर्ज करवाई गई है। लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। किसानों को चाहिए कि वे इन सीटू व XC2 यानी फसल अवशेषों को खेतों में ही समायोजित व उन्नत कृषि यंत्रों को प्रयोग करें। पत्रकार वार्ता में वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि करीब 7 महीने से देश इस बीमारी से जूझ रहा है। सुखद बात यह है कि पिछले 20-25 दिनों में जिला में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल लेने का काम जारी है। मंगलवार को करीब 900 सैंपल लिए गए, जिनमें मात्र 21 व्यक्ति ही पॉजिटिव मिले। अब तक 1,16,000 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं। मंगलवार तक एक्टिव केसों की संख्या 8,217 थी, जिनमें से 97% ठीक हो गए। अब केवल 188 एक्टिव मामले हैं, जबकि 130 होम आइसोलेटेड हैं। कोविड केयर सेंटर में 17 कोरोना पॉजिटिव और मेडिकल कॉलेज में 23 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि अगले 1-2 महीने में सैंपलिंग प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, यानी हर 4th व्यक्ति का टेस्ट होगा। जनता को कोरोना से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन त्योहारी दिनों को देखते हुए सतर्क रहना आवश्यक है। सावधानी के लिए बाजारों में ज़्यादा भीड़ और उसमें शामिल ना हो, ताकि कोरोना के फैलाव से बचा जा सके। बचाव के 3 सूत्र मास्क, डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग से निश्चित तौर पर इस पर काबू पा लेंगे। स्मार्ट सिटी के कुछ और प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि शहर के 9 भिन्न सरकारी स्कूलों में 53 क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। यह कार्य आगामी 15 नवम्बर तक पूरा होगा और तैयार क्लासरूम को शिक्षा विभाग को हैंडओवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रपोजल रहेगी कि शहर के शेष सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएं। ऐसे क्लासरूम में LED स्क्रीन, CCTV वगैरह होंगे। RFP टैग से विद्यार्थियों की हाजिरी लगेगी। रोबोटिक व स्टेम लैब होगी, जिनमें विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल और वे अलग अलग चीज़ों के मॉडल बना सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में 50 रेन वाटर हार्वेस्टर बनाए जाएंगे। नवंबर अंत तक यह कार्य पूरा होगा। सरकारी स्कूलों की रिपेयर का काम चल रहा है, जो दिसंबर तक पूरा होगा। अग्रसेन चौक से बलड़ी बाईपास तक वॉकिंग जोन घोषित किया गया है। इसमें डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक के अतिरिक्त टॉयलेट, म्यूजिक सिस्टम, लाइटें और महाभारत थीम पर पेंटिंग करवाई जाएगी। शहर की 11 सड़कों, विशेषकर बसंत विहार, फूसगढ़, दाहा व कम्बोपुरा जैसे आउटर एरिया को यातायात अनुकूलित बनाया जा रहा है। इस कार्य का टेंडर लगा दिया गया है। खरीद की जा रही है। पूरे जिले में टोटल 13 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे धान खरीदा जा रहा है। और अब तक मंडियों में, करनाल की मंडियों में 1,15,00,000 क्विंटल धान आ चुका है, और उसमें से 1,10,00,000 क्विंटल के करीब खरीदा जा चुका है कल शाम। जो हमारी एक्सपेक्टेड आवक है वो 1,25,00,000 के करीब है, यानी 1.25 करोड़ के करीब
तो अगर मैं कहूँ तो लगभग हमारा 92-93% धान मंडियों में आ चुका है और 90% खरीदा भी जा चुका है। जो बचा हुआ है वो हार्डली 10% है। हालांकि पिछली बार धान की आवक ज़्यादा थी, 1,70,00,000 क्विंटल थी पिछली बार। उसकी मुख्य वजह ये भी थी कि पिछली बार जितना करनाल का धान था उतना ही धान यूपी से भी हमारे पास यहाँ आया था, क्योंकि शुरू से ही यूपी के धान पे कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन इस बार शुरू के कुछ दिनों तक सरकार ने प्रेफरेंस दी कि जो हरियाणा के किसान हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले उनका धान खरीदा जाएगा और उसके बाद काफ़ी देर बाद जो है यूपी के किसानों की धान प्रोक्योरमेंट सरकार ने शुरू की है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तुलना में 30% के करीब कम धान इस बार यहाँ हमारे करनाल जिले में आएगा। तो इस प्रकार से लगभग 90% धान जो है जितना हमें एक्सपेक्टेड है उतना खरीदा जा चुका है और लगभग 95% धान मंडियों में आ चुका है। 1,15,00,000 क्विंटल जो आया है उसके अगेंस्ट 1,10,00,000 क्विंटल हमने खरीद लिया है। जो बचा हुआ 5,00,000 क्विंटल है वो मेनली मॉइस्चर रिक्वायरमेंट मीट ना होने की वजह से नहीं खरीदा गया, वो 1-2 दिन में धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसकी मॉइस्चर कम होती जाती है उस प्रकार से खरीद लिया जाएगा। शुरू में जो हमारा प्रशासन का चैलेंज था वो था कि धान की किस प्रकार से खरीद शुरू कराई जाए, क्योंकि इस बार सरकार ने बोगस प्रोक्योरमेंट को रोकने के लिए कई प्रकार के परिवर्तन किए थे और इस वजह से मिलर्स की और आढ़तियों की शुरू में स्ट्राइक भी रही थी। एक बार जब वो प्रक्रिया सुचारू हुई तो फिर हमारा फोकस बना कि किस तरीके से उसकी लिफ्टिंग एंश्योर करी जाए ताकि मंडियां में जगह बची रहे। अब चूँकि लिफ्टिंग भी लगभग 80-85% चल रही है रेगुलरली, अब हमारा जो फोकस है वो पेमेंट पे है। तो जैसे मैंने बताया कि लगभग 1,10,00,000 क्विंटल धान खरीदा गया है और 1888 के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ का धान अब तक खरीदा गया है। उसके खिलाफ 764 करोड़ की पेमेंट अभी तक सरकार ने कर दी है। अगर परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो ये लगभग 38-40% पेमेंट बनती है और ये जो मुख्य आंकड़ा है पिछले 3-4 दिनों में ही स्पीडअप हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते भर में हम ज़्यादातर 80-90% पेमेंट के फिगर पर पहुँच जाएंगे। इसमें 1-2 जगह हमें थोड़ी सी एनामलिटीज भी पता चली हैं, जैसे तरावड़ी मंडी में लगभग 2-2.5 करोड़ की पेमेंट जो कि 15 आढ़तियों से संबंधित थी और लगभग 60 खातों में थी वो कुछ गलत अकाउंट्स में चली गई हैं। उन खातों को हमने तुरंत सील कर दिया है और उन जिन अकाउंट्स में गई हैं उनसे वापस सरकार के पास लेने के प्रयत्न जारी हैं। 1-2 दिन में सारी की सारी अमाउंट वापस कर दी जाएगी और उसके बाद जहाँ जहाँ वो जानी चाहिए थी वहाँ पे अकाउंट वो पैसा भेज दिया जाएगा। तो अभी के स्टेटस तो ये है कि 2,000 करोड़ का जो धान खरीद हुआ है उसमें से 764 करोड़ की पेमेंट जो है वो कर दी गई है मोटा मोटा। इस बार हमने एक जो और व्यवस्था सरकार के आदेशों के अनुसार की है कि जितनी भी हमारी मंडियाँ हैं 13 जगह जहाँ पर धान की खरीद हो रही है वहाँ पे हमने किसानों और मजदूरों को मजदूर भाइयों के खाने के लिए हमने फूड स्टॉल्स लगवाए हैं। आप सब पत्रकार बंधुओं ने भी मंडियों में जा गए होंगे तो देखा होगा। तो धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, आढ़ती एसोसिएशन के सहयोग से, मिलर्स के सहयोग से और कुछ 2-3 जगह जहाँ पर हमारी अटल किसान मजदूर कैंटीन ऑपरेशनल हैं उनके ज़रिए हमने किसानों को और मजदूर भाइयों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमने कोशिश की है कि हम इनको खाना पहुँचाएँ। मेरे साथी एसपी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इस समय महत्वपूर्ण है वो है स्टबल बर्निंग की। आप सब लोगों को मालूम है कि हर साल जो पराली जलाने का कार्यक्रम है वो चलता है इस समय पैडी सीजन में और करनाल चूँकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा एकड़स में धान यहाँ उगाया जाता है। इस बार भी लगभग 3,00,000 एकड़ ज़मीन पे यहाँ धान उगाया गया है हमारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो चूँकि करनाल हरियाणा में सबसे ज़्यादा धान पैदा करता है तो इसलिए स्टबल बर्निंग के केसेस भी यहाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। हमारी प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से हम इसको ना होने दें। इसके लिए जो जितने भी एडवांस्ड फार्म इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो रोटावीटर्स हो, चाहे वो मल्चर्स हो, चाहे वो जिस भी तरह की हमारे हैप्पी सीडर्स हैं, सुपर सीडर्स हैं, बेलर्स हैं, ये हमने सब्सिडी के तौर पे किसानों को अवेलेबल कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी 100 से ऊपर जो है ज़िले में बनाए गए हैं और लगभग 100 पंचायतों को सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये मशीनें दी हैं ताकि आगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे
अपनी पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मशीनें दें, और ये ताकि पैडी का जो स्ट्रो है उसको ना जलाया जाए। आप सभी पत्रकार बंधुओं के जरिए से मेरी अपील रहेगी कि आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। सरकार और विशेष रूप से NGT एवं सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बड़ा सख्त है कि किसी भी कीमत पर स्ट्रो बर्निंग ना की जाए, और इसके लिए जो जितने भी दंडात्मक प्रावधान भी हैं वो भी हम करते हैं, हम उस पर जुर्माना भी लगाते हैं। कोई रेगुलर ऑफेंडर है तो हम FIR भी दर्ज कराते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों के ज़रिए से माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि जो इनसीटू और एक्सीटू मैनेजमेंट है स्टबल का, जो पराली का मैनेजमेंट का जो सिस्टम बना हुआ है उसको अपनाएं और किसी भी कीमत पे फाने ना जलाएं। अगला जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सब लोगों को मालूम है कि लगभग मार्च से यानी पिछले 7 महीने से कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और करनाल जिला भी इससे अछूता नहीं है। फॉर्चुनेटली पिछले 20 से 25 दिनों से हमारे यहाँ केसेस की संख्या में लगातार गिरावट आई है, और ये सब मैं कहूँगा इसी का नतीजा है कि हम सब ने एक समाज के तौर पे जितने भी प्रिकॉशंस थी कोरोना की हमने वो ली हैं। अगर मैं सिर्फ कल का डेटा आपको सैंपल के तौर पे बताऊँ तो कल हमने लगभग 850-900 सैंपल्स लिए थे, उसमें से हमारे 21 पॉजिटिव केसेस आए हैं। और अगर मैं अब तक की टोटल सैंपलिंग की बात करूँ तो जो RT-PCR से 90,000 के करीब सैंपल लिए गए हैं और एंटीजन से 26,000 लिए गए हैं, यानी कुल मिला के 1,16,000 सैंपल्स लिए गए हैं, जो हमारी ज़िले की आबादी का लगभग 10% है। यानी अगर मैं कहूँ कि हमने हमारी ज़िले की आबादी के 10% लोगों का टेस्ट कर लिया है तो ये इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और इसमें से टोटल हमें जो पॉजिटिव केसेस मिले हैं वो 8,217 मिले हैं कल रात तक। यानी अगर हम और इसमें से भी अगर मैं हमारी रिकवरी देखूँ तो लगभग 96-97% है। सिर्फ 188 लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं अभी भी, और उन 188 में से भी 130 तो ऐसे हैं जो घर पे ही हैं, होम आइसोलेटेड हैं। जो हमारे कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं वो 17 हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं जो थोड़े मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में हैं वो सिर्फ 23 लोग हैं। यानी एक तरीके से मैं कहूँ तो इस समय सिचुएशन जो कोरोना की है ज़िले में पूर्णतया कंट्रोल में है। हमारी कोशिश अभी भी है कि ये सैम्पलिंग और बढ़ा के और हम आने वाले 1-1.5-2 महीने में जितनी ज़्यादा आबादी हो सकती है अगर हो सके तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन यानी हर चौथे आदमी का टेस्ट हम आने वाले 2 महीने तक कर लेंगे, ताकि हम इसके जैसे ही तुरंत हम किसी को भी कोविड इन्फेक्टेड होता है तुरंत उसका टेस्ट करके उसको पकड़ें और उसको आगे प्रसारण से फैलाव से रोकें। फिर भी चूँकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, दिवाली दशहरा अभी होके गया है और दिवाली का सीज़न आने वाला है, तो आप सब लोगों के जरिए मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस पे थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न में बाज़ारों में बाकी दुकानों पे हर जगह पे जो है भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिलता है तो उससे कोरोना का फैलाव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम 2-3 जो प्रिकॉशंस हैं जो हर बार दोहराई जाती हैं, मास्क पहनें, डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर हाथ सैनिटाइज करते रहें, ये 3 प्रिकॉशंस अगर हम रख लेंगे तो निश्चित रूप से जिस तरीके से हमने अब तक कोरोना को हराया है आगे इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा और हम निश्चित रूप से इस महामारी से काबू पा लेंगे। एक एडिशनल जो सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि कल 27 अक्टूबर को हरियाणा की मौजूदा सरकार ने अपना 1 वर्ष पूरा किया, और उसके तहत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिसार में आयोजित किया गया था, और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में के जिला स्तरीय कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कल किया था। और इसके तहत हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में टोटल 11 हमारे ज़िले के प्रोजेक्ट्स थे जिनका शिलान्यास या उद्घाटन हुआ है, और उनकी टोटल कीमत जो है 54 करोड़ है। 30 करोड़ के प्रोग्राम्स का लगभग हमने जो है फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास किया है, और 24 करोड़ के परियोजनाओं का हमने कल उद्घाटन करवाया है। साथ में जैसा आप लोगों को मालूम है 1 नवंबर को हरियाणा दिवस आने वाला है, और उस उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार हर ज़िले में खेल प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करवाने जा रही है, और करनाल में भी इसी प्रकार से स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे जिनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर के यहाँ पर उनका उद्घाटन करेंगे और खुद भी शरीक होंगे। तो कर्ण स्टेडियम में 1 तारीख को हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का आवागमन रहेगा,
और उसमें जो बच्चों की मार्च पास्ट है, कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, वो भी वो खुद देखेंगे, बच्चों को अवार्ड्स देंगे और बच्चों को फिर अपनी स्पीच दे करके मोटिवेट भी करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, मीडिया के साथियों से, कि आप भी वहाँ जरूर पहुँचें और उस इवेंट को कवर करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.